फर्स्ट वर्ड क्या है? डेबोनेयर। फर्स्ट वर्ड क्या है यार? डेबोनेयर। देखो फर्स्ट वर्ड माने डेबोनेयर माने ये होता है जो शौकीन होता है। डेबोनेयर माने शौकीन होता है जो सब होता है उसे डेबोनेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे डेबोनेयर बोलते हैं। जो शौकीन और सब होता है उसको डेबोनेयर बोलते हैं। एलिजेंट, एलिजेंट माने भी अच्छा होता है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड माने बुरा लगने माना, बुरा लगता है। ऑकवर्ड बुरा लगता है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट माने कठिन होता है। ऑकवर्ड माने बुरा लगना और ऑकवर्ड माने वो जो भद्दा लगता है। ऑकवर्ड माने भद्दा लगना और डिफिकल्ट माने कठिन होता है। तो डेबोनेयर का जस्ट जो सनोनियम बनता है वो एलिजेंट ही बनता है। डेबोनेयर का जो सनोनियम बनता है वो क्या है? एलिजेंट बनता है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके अंदर एक ऑप्शन नंबर डी वो मिस है, वो टाइप नहीं हो पाया था, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। डी कोई भी ऑप्शन मान लो, गुड मान लो, बैड मान लो, डी कुछ भी ऑप्शन मान लो, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। राइवेट राय। देखो राइवेट अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी में। राइवेट माने क्या होता है? जो जो आपका ध्यान आकर्षित करके रखता है उसे राइवेट बोलते हैं। जैसे कि आप कपिल शर्मा जो आपका ध्यान आकर्षित करके रखते हैं ना अपने इस शो की तरफ, तो वो राइवेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राइवेट कहलाएंगे, RIVET राइवेट कहलाएंगे। हैवी, हैवी माने भारी होता है। इंगेग, इंगेग माने आकर्षित, आकर्षित रहना या किसी तरफ लगे रहना। इंगेग, इंगेग माने क्या होता है? किसी तरफ आकर्षित होना या फिर लगे रहना, उसे क्या बोलते हैं? राइवेट बोलते हैं। इंगे, राइवेट माने क्या होता है? ध्यान आकर्षित करने वाला। इंगे, इंगे माने क्या होता है? किसी जगह व्यस्त होना। द व्यस्त तभी होगा ना जहाँ आपका ध्यान आकर्षित होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर दूसरे का बी बिल्कुल राइट है। जॉयस, जॉयस माने क्या होता है? खुशी वाला। जॉयस, JOYOU, जॉयस माने क्या होता है? खुशी वाला। जॉयस। रिवॉल्व माने क्या होता है? जो रिवॉल्व, इन्वॉल्व और रिवॉल्व है। क्या रिवॉल्व माने क्या होता है? घूमने वाला। रिवॉल्व माने क्या होता है? घूमने वाला होता है। क्या होता है? रिवॉल्व माने घूमने वाला होता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ग्लिप, ग्लिप माने क्या होता है? जो चालाकी से बात करते हैं। ग्लिप कौन होता है? जो चालाकी से बात करते हैं। GLIB, ग्लिप, ग्लिप माने क्या होता है? चालाकी से बात करने वाले होते हैं। क्यूट, क्यूट माने क्या होता है? शांत होता है। QUIET, क्यूट, क्यूट माने शांत होता है। डल, डल माने उदास होता है। डल, डल माने क्या होता है? उदास होता है। ग्लिप, ग्लिप माने क्या होता है? जो चालाकी से बोलते हैं उन्हें ग्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ग्लिप बोलते हैं। तो देखो क्यूट, क्यूट माने शांत होता है। डल, डल माने जो उदास होते हैं वो बोलते हैं। हार्ड माने कठोर, जो कठोर होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उन्हें जैसे लोहे के तरीके से हार्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं। आर्टफुल, आर्टफुल माने चालाक व्यक्ति होते हैं। आर्टफुल माने क्या होता है? चालाक व्यक्ति होते हैं। हमेशा जीवन में इस टाइप के लोगों से बच के रहना और ना इस टाइप के लोग बनना कभी। ग्लिप माने चालाक से, चालाकी से बोलने वाला। आर्टफुल, आर्टफुल माने क्या होता है? चालाक होता है। नेक्स्ट वर्ड पर चले भाई साहब। इनडिसॉल्यूबल, इनडिसॉल्यूबल माने क्या होता है? इनडिसॉल्यूबल, देखो सॉल्यूबल माने क्या होता है? मिल जाने वाला। सॉल्यूबल माने क्या होता है? मिल जाने वाला। SOLUBLE, सॉल्यूबल, सॉल्यूबल माने क्या होता है? मिल जाने वाला होता है। इनडिसॉल्यूबल माने जो किसी पे ना मिले, यानी कि स्थाई। INDISOLUBLE, स्थाई, स्थाई होता है। इनडिसॉल्यूबल माने क्या होता है? स्थाई। INDISOLUBLE, स्थाई होता। परमानेंट, परमानेंट माने भी क्या होता है? स्थाई होता। परमानेंट माने क्या होता है? स्थाई होता है। इनडिसॉल्यूबल माने क्या होता है? जो स्थाई हो, जो किसी में मिले ना। देखो सॉल्यूबल माने मिलने वाला होता है। इनडिसॉल्यूबल जो किसी में ना मिले, यानी कि वो स्थाई हो गया, परमानेंट हो गया। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब हम नेक्स्ट के जो तीन वर्ड, इन तीन वर्ड को डिस्कस करना चाहेंगे और इन तीन वर्ड को सीखना है। देखो डिटैचमेंट एक अच्छा वर्ड है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने इसके बारे में समझाया है कि आप ये चीज़ जानिए कि ये चीज़ मेरी नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को कभी छोड़िए नहीं। इसे डिटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे डिटैचमेंट बोलते हैं कि ये मेरा नहीं। जैसे कि मानो आज आपका फ़ोन है, वो आपको बहुत रहा है, लेकिन ये फोन हाँ मानते हैं आपका है, लेकिन आप इसे डिटैच रहिए कि जब ये फोन टूटे या खराब हो या कहीं गिर जाए तो आपको दुख ना हो। इसे डिटैचमेंट बोलते हैं। और अटैचमेंट जैसे इसका अपोजिट होता है। आप ये मानते हो ये मेरा है, ये सब कुछ है, लेकिन जब इसके खोने पे, बर्बाद होने पे उसमें दुख होता है, डिटैचमेंट में दुख नहीं होता। यही दोनों फर्क है। और हमें हर किसी से डिटैचमेंट करके रखना चाहिए। फंडामेंटल माने क्या होता है? बेसिक्स होते हैं। इनएक्टिव माने क्या होता है? अक्रिय होता है। इनएक्टिव माने क्या होता है? अक्रिय। इनएक्टिव, एक्टिव माने सक्रिय होता है। इनएक्टिव माने अक्रिय, जो इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है, ठीक है, जो उदास है, बोरिंग टाइप के लोग होते हैं वो हैं। हेक्टिक, हेरेटिक, हेरेटिक माने क्या होता है? विधर्मी। हेरेटिक माने क्या होता है? विधर्मी, जो
जो मानता है, जो ये नहीं मानता है कि मेरे धर्म, अपने धर्म के बारे में जो नहीं मानता उसे विधर्मी बोलते हैं। सनकी टाइप का होता है हेरेटिक, माने क्या होता है, सनकी टाइप का विधर्मी होता है, फेथफुल विश्वास वाला ये नहीं होता है। लॉयल्टीज लॉयलिटीज लॉयलिस्ट वो ये भी विश्वास वाला होता है। राइटियस ये भी विश्वास वाला होता है। तो ये सब तो इसके जस्ट एंटोनियम्स हैं, ठीक है। यही एक इसका सिनोनियम बनता है सिनिक। सिनिक माने सनकी टाइप का होता है, ये भी थोड़ा हटी बुद्धि का होता है। हेरेटिक का जस्ट सिनोनियम क्या हो गया, सिनिक। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, हेरेटिक का क्या हो गया, सिनिक। ये सारे ही वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं यार, चेक कर लेना। कोवनेंट, देखो कोवनेंट माने क्या होता है, एक टाइप का समझौता है। कोवनेंट माने क्या होता है, एक टाइप का समझौता होता है, बीच में बातचीत होती है। कोवनेंट माने क्या होता है, समझौता होता है, बीच में बातचीत टाइप की होती है, उसे कोवनेंट बोलते हैं। कोवनेंट कोवनेंट देखो, एक कोवनेंट है, एक पैक्ट होता है, PACT पैक्ट होता है। एक और वर्ड होता है डीड, DEED डीड डीड। इन तीन तीनों का मतलब ही समझौता होता है। डिफरेंस डिफरेंस माने अंतर करना होता है। बॉन्ड बॉन्ड माने भी समझौता, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन माने भी समझौता होता है। तो बॉन्ड बॉन्ड माने ना, एक बॉन्ड एक वादा होता है, जिसे मानो जब अपन लोग किसी कंपनी से बॉन्ड लेते हैं या फिर बैंक से बॉन्ड लेते हैं तो ये वादा टाइप का होता है। डिवोशन डिवोशन माने क्या होता है, समर्पण होता है। DEVOT डिवोशन डिवोशन माने समर्पण होता है। तो कोवेनेंट कोवेनेंट माने क्या होता है, समझौता। COVENANT सॉरी कोवेनेंट 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 माने बॉन्ड नहीं होता, कोवेनेंट माने होता है भाई सब समझौता, समझौता होता है। एक आपस में हमने बातचीत की, बातचीत करने पे एक लिखित नोट बनाया, लिखित नोट बना पे ये शर्तें रखी कि भाई यहाँ आज 6 से 8 मैं आऊँगा, 8 से 10 ये आऊँगा। तो ये जो बात करी, बात को हमने लिखित रूप में करा, इस चीज़ को कॉवनेंट बोलते हैं। कॉवनेंट माने समझौता होता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 7वें वर्ड पर चले अपने, ऑप्शिपोरस। ऑप्शिपोरस माने क्या होता है, ऑप्शिपोरस माने प्रचंड होता है। OB देखो ये अच्छा वर्ड है, ये तैयार कर लेना, ये मिस स्पेल्ड में पूछा जा सकता है। OBSTREPEROUS ऑप्शिपोरस माने क्या होता है, ऑप्शिपोरस माने प्रचंड होता है। ऑप्शिपोरस माने क्या होता है, प्रचंड होता है। ऑप्शिपोरस माने क्या होता है, प्रचंड होता है। 7th का ए नॉइसी, नॉइसी माने भी प्रचंड हुआ। तो 7th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 7th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसकी आवाज़ आवाज़ काफ़ी तेज हो तो उसे यही बोलते हैं। रिस्ट्रेंड माने रोक के रखना होता है। क्यूट माने शांत, और साइलेंट साइलेंट माने भी शांत होता है, साइलेंट साइलेंट माने भी शांत होता है। तो ये तो ये तीनों तो ये दोनों तो उसके जस्ट एंटोनियम्स हो गए, ये इसका सिनोनियम्स है। 7th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे सारे प्यारे बच्चों। 8वां डिल्यूज, डिल्यूज माने क्या होता है सर, डिल्यूज माने बहुत बड़ी बाढ़ होती है। डिल्यूज माने क्या होता है, बहुत बड़ी बाढ़ आना होता है। एक तो बाढ़ होती है, एक बहुत बड़ी बाढ़ होती है, उसे डिल्यूज बोलते हैं। फेमाइन फेमाइन माने क्या होता है, भुखमरी हो जाना या अकाल पड़ जाना, उसे फेमाइन बोलते हैं। ड्रिप ड्रिप माने टपकना होता है। ओवरफ्लो देखो, ओवरफ्लो जस्ट इसका सुनियो में। 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यही SSC ने इसका भी दिया है, यही SSC ने इसका भी आंसर दिया है। 8 का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी ओवरफ्लो। 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ओवरफ्लो, ये सही है। 8 का ऑप्शन नंबर सी है ओवरफ्लो, ये बिल्कुल सही है। देखते हैं 8वां डी नंबर होता है फिल्टर। फिल्टर माने क्या होता है, छानना। जब अपन लोग उसमें नहीं फिल्टर विल्टर नहीं लगा देते हैं इंस्टा इंस्टाग्राम पर, तो उसे छानना बोलते हैं। फिल्टर माने क्या होता है, छानना होता है। 9वें वर्ड पर आते हैं डिफाइल। डिफाइल माने क्या होता है, किसी चीज़ को बर्बाद, डिफाइल माने क्या होता है, किसी चीज़ को प्रदूषित करना होता है। DEFIL डिफाइल, डिफाइल माने क्या होता है, किसी चीज़ को प्रदूषित करना होता है। करप्ट, करप्ट माने क्या होता है, प्रदूषित करना। CORRUPT करप्ट, करप्ट माने क्या होता है, प्रदूषित करना होता है। करप्ट, करप्ट माने क्या होता है, प्रदूषित करना होता है। करप्ट माने क्या होता है, प्रदूषित करना होता है। सेंक्टिफाई, सेंक्टिफाई माने पवित्र होता है, सेंक्टिफाई माने पवित्र होता है। वैसे तो 9th का ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, 9th का ए। लेकिन हम जो अगर जो ऑप्शन है उनको भी हम तैयार करेंगे यहाँ पे। हालो, हालो माने खाली होता है। हालो हालो माने क्या होता है, खाली होता है। जब अपन लोगों ने आपने मैथ में पढ़ा होगा कि एक खोखला खोखला बेलन, तो वो हॉलो ही कहलाया है, तो इसके अंदर हवा भरी होती है। ऑनर, ऑनर माने सम्मान होता है। ऑनर, ऑनर माने क्या होता है, ऑनर माने सम्मान होता है। तो ये तो 2 वर्ड थे तैयार करें, ये 2 वर्ड आपने अपने पास से तैयार करे, ये वर्ड अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे अपने चले भाई। क्रेडी, क्रेडी माने क्या होता है, गंदा। क्रेडी माने क्या होता है, गंदा जी, गंदा गंदा बेकार सा। क्रेडी, क्रेडी माने गंदा। क्रीमी, क्रीमी माने चिपचिपा सा, मुलायम सा, मोटा था। स्पॉटलेस माने जिसमें कोई धब्बा ना पड़ो, स्पॉट माने धब्बा होता है, लेस माने नहीं, जिसमें कोई धब्बा ना पड़ो। डर्टी, डर्टी माने गंदा होता है। ग्रीडी, ग्रीडी माने लालची होता है। डर्टी माने गंदा होता है, ग्रीडी, ग्रीडी माने लालची होता है। डर्टी माने गंदा होता है, और ग्रीडी, ग्रीडी माने लालची होता है। CRUDDY, क्रेडी, क्रेडी माने क्या होता है, गंदा। CRUDDY, क्रेडी, क्रेडी माने क्या होता है, गंदा होता है। CRUDDY, क्रेडी, क्रेडी माने क्या होता है, गंदा होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है। ये क्रेडी अच्छा वर्ड है, CRUDDY। अभी SSC ने हाल रिसेंटली पूछना स्टार्ट किया है। क्रेडी, CRUDDY, क्रेडी, क्रेडी माने क्या होता है, गंदा होता है। डर्टी, डर्टी माने भी गंदा होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखो आज यहाँ पे इतने ही वर्ड थे, 10 वर्ड ही हमने डिस्कस